हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय शिवम में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में होपमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी बोल देते हैं। और इसका जो मैकेनिज्म है, आज हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है वो इसका मैकेनिज्म समझाने का है कि इसका मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं, आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें 12th NCERT वगैरह आता है। BSc के लिए भी इंपॉर्टेंट है। BSc सेकेंड ईयर में, UP के अंदर BSc सेकेंड ईयर में है, हो सकता है आपके यहाँ पे फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर में दूसरी चीज़ों में हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से ये टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। वैसे हमने इस पे इसके मैकेनिज्म को छोड़ के इसके जो शॉर्ट ट्रिक्स है या इसके जो क्वेश्चन है वो पहले ही बता दिए हैं आपको, और जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है वो आपको मैं बता दूँ कि वो आपको सिर्फ यहीं पर एक्सक्लूसिव मिलेगी, क्योंकि उस तरह की जो शॉर्ट ट्रिक होगी वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मैंने ही बनाई थी अपनी। यार बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही एकदम से नाम से ही आ जाती है, एकदम से रिएक्शन देख के पता लग जाता है। सबसे पहले अमाइड लेते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट, RCONH2। तो ये हमने एमाइड बनाया है, एमाइड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो एमाइड RCONH2, नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक होते हैं इन नेचर, तो इसके साथ में जो आप इसमें बेस लेते हो उसमें OH- इस पे तीन लोन पे इस पे होंगे। रीजन क्या है कि एक नेगेटिव चार्ज की वजह से, और दो लोन पे आपका ऑक्सीजन के पास पहले से ही होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे हाइड्रोजन की तरफ, को कहने का मतलब ये H को यहाँ से ले लेंगे, और H जो लेंगे वो H पॉजिटिव के फॉर्म में लेंगे। H पॉजिटिव के फॉर्म में लेने की वजह से जो इसका एक लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा वो H के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, जिससे वो HOH बन जाएगा, H2 बन जाएगा। और ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन की तरफ, और ये आपका यहाँ पे स्टेप फर्स्ट इसमें आपका एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से H2 अलग हो जाएगा और बन जाएगा RC OH NC के साथ में, और सिंगल बॉन्ड एक H। ये दो लोन पेयर क्यों लिखे, एक तो नाइट्रोजन के पास अपने आप ही होता है और एक दूसरा कहाँ से आया, इस बॉन्ड की वजह से। तो जो बेस है OH- उसने एसिडिक हाइड्रोजन को अपने आवास लिया है, H2O के रूप में वो आउट हो चुका है, और जो ये बॉन्ड था नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया, इसलिए बनेगा NIN। तो इसको हम लिखेंगे amide NIN। तो amide NIN बना। उसके बाद जो ये आपका स्टेप फर्स्ट के बाद स्टेप सेकेंड की बात करते हैं, RC OH- के पास नेगेटिव चार्ज और एक इसके पास है हाइड्रोजन, तो इसके साथ में यहाँ पे देखो दोस्तों जो Br2 का एक ही मॉलिक्यूल इसमें यूज होता है, तो उसकी हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे Br2 की। तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव पोलरिटी इंड्यूस्ड हो जाएगी, तो इस पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि जो इसके पास वाला होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो दूर वाला होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये क्या करेगा, इस Br पॉजिटिव को अपने आप इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एक्सेप्ट कर लेगा। नाइट्रोजन का जो नेगेटिव चार्ज है, ये ब्रोमीन का जो पॉजिटिव पार्ट है उसको एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ से जो Br है वो Br- के फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो ये Br तो Br- के रूप में अलग हो गया, और जो ये Br है ये नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लेता, तो ये बनेगा स्टेप टू। ये तो आपका स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप टू। स्टेप टू के अंदर आपका बना RC OH NC और एन के पास में एक ही एच और एक आ गया Br, तो ये आपका बन जाएगा N ब्रोमोएमाइड, क्योंकि N के पास क्या लग गया, Br लग चुका है। उसके बाद स्टेप नंबर थ्री में एक और OH- एक और बेस जो है वो रिएक्शन करेगा नाइट्रोजन के एसिडिक हाइड्रोजन के पास आएगा, नाइट्रोजन का जो एसिडिक हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर थ्री में लिख देता हूँ RC OH NC OH BR, और इसके साथ में कौन आया, OH-, उसी तरह से तीन लोन पेयर। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, और ये बॉन्ड वापस किस पे चला जाएगा, नाइट्रोजन, बिल्कुल सेम टू सेम है जैसा आपका स्टेप वन था, ऐसे स्टेप नंबर थर्ड है, बस यहाँ पे एच था, इस बार Br है और कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम है, वही वाटर का मॉलिक्यूल्स आपका आउट हो जाएगा H2O, और ये नेगेटिव चार्ज फिर से किस पे आ जाएगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा। तो RC OH NC OH नेगेटिव चार्ज के साथ और Br, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो पहले नाम था वही नाम हो जाएगा N ब्रोमो एमाइड, लेकिन नेगेटिव चार्ज आ गया इस वजह से NIN। अब स्टेप नंबर फोर, और सबसे ज़्यादा
इम्पोर्टेंट जो इसका पॉइंट है वो यही है, इसको आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इसमें रिअरेंजमेंट भी होगा और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। इसमें तीन चीज़ें होंगी, वो बताएंगे कि फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, और यही आपका सबसे लेट मतलब सबसे ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम होता है। इसलिए क्या होता है RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो स्टेप नंबर अगर हम बात करें सबसे पहले जो नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा। अब ये मैंने इसको कह दिया एक तरीके से फोर्थ ए, सबसे पहले ये घटना घटित हुई। जैसे इस नाइट्रोजन ने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को डेवलप करके बॉन्ड बना दिया, तो ये जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है ये टूटेगा, और ये टूटने के लिए पहले इधर से टूट जाएगा फिर वापस आ जाएगा, तो इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब कार्बन के क्या नहीं हो सकते, पाँच बॉन्ड नहीं हो सकते, कार्बन के पाँच बॉन्ड नहीं हो सकते, इस वजह से इनमें से कोई सा बॉन्ड टूटना है। अब ऑक्सीजन वाला इधर से टूटेगा इधर से फिर दोबारा से डेवलप हो जाएगा, तो इस वजह से जो ये आर है ये नेगेटिव के रूप में टूटेगा यहाँ से। वैसे आर नेगेटिव के रूप में इतनी आसानी से जाता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आर है वो नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, नेगेटिव के फॉर्म में जाएगा, और ये आपका जो R होगा ये किसके साथ चल जाएगा दोस्तों, ये चल जाएगा नाइट्रोजन के साथ। तो ये हो गया आपका फोर्थ बी। फर्स्ट इसने यहाँ पे बॉन्ड बनाया, कार्बन के पांच बॉन्ड नहीं हो सकते, R नेगेटिव के रूप में निकला और N के पास गया। जैसे ही N के पास जाता तो यहाँ से जो ब्रोमीन है वो आउट हो जाएगा Br- के फॉर्म में, क्योंकि Br जो होता है, ब्रोमीन जो होते हैं, हैलोजन जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप हैं, बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप हैं, मतलब एकदम से इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होते हैं ये। तो ये आपको देख रहा है यहाँ पे तीन चीज़ें हुई, सबसे पहले इसने बॉन्ड बनाया, इधर से आर निकला नाइट्रोजन के पास गया, और इधर से बी आर माइनस निकल गया। तो ये स्टेप नंबर फोर था, और स्टेप नंबर फोर को मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप इसको उतार लेना। चलो ये दोबारा से बता देता हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एन के पास था नेगेटिव चार्ज, और सिंगल बॉन्ड बी आर। तो इसमें क्या घटित हुआ, इसमें जो नाइट्रोजन इसने बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट किया, जैसे इसने क्रिएट किया तो यहाँ से जो आर है उसको निकलना पड़ा, कैसे, नेगेटिव के फॉर्म में, ये इसको लेके आया, ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया यहाँ से नाइट्रोजन के पास। जैसे ही नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हुआ, थर्ड में ये जो बी आर हो गया यहाँ से आउट हो गया। तो इसलिए हमने कहा था इसको फोर्थ ए, सबसे पहले ये हुआ, उसके बाद ये नाइट्रोजन के पास गया, ऐसे एकदम से ये फोर्थ सी। तो यहाँ से बी आर माइनस आपका अलग हो गया। तो बना क्या देखते हैं, ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड, सी आर तो निकल गया, एन के पास भी डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आर। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एन एल्काइल। अब ये देखो क्या है, एक आपने सुना होगा सी एन, एक होता है सी एन ओ, एक होता है एन सी ओ, तो ये बन गया एन सी ओ, इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट, ठीक है, आइसोसाइनेट, सी वाई ए एन ए टी ई, ठीक है, ये एन एल्काइल आइसोसाइनेट, या इसको हम मिथाइल आइसोसाइनेट भी बोल सकते हैं, एम आई सी इसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं, अगर ये मिथाइल हो गया, और अगर सी एस थ्री हो तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। और यही भोपाल त्रासदी अगर आपने सुना होगा तो उसमें यही गैस का रिसाव हुआ था, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, ये बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस होती है मिथाइल आइसोसाइनेट। लेकिन यहाँ पे एल्काइल हम कुछ भी ले सकते हैं। अब उसके बाद ये आपका स्टेप नंबर फोर, अभी दो स्टेप इसके और रह रहे हैं, तो मैं इसको ऊपर से रब कर देता हूँ, इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं कुछ टाइम, अभी स्क्रीन शॉट भी ले लेना, लेकिन अभी इसमें ऊपर है जाएगा तो हम वहाँ पे लिख देते हैं उसके। तो ये था आपका यहाँ पे O डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, N सिंगल बॉन्ड, R। तो यहाँ पे जो OH माइनस है, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा नाइट्रोजन के पास में, भाई कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो जो OH माइनस होगा वो बेस का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे इस पे कार्बन पे अटैक करेगा फिर से पांच बॉन्ड नहीं हो सकते, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल्स आएगा, क्या आएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल्स आएगा, और ये जो नाइट्रोजन होगा ये बॉन्ड से पूरा शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन पे, ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन होगा वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा। दोबारा देखो, यहाँ पे जो आपके पास में एन एल्काइल आइसोसाइनेट है, इसमें OH माइनस बेस जो है कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जैसे ही बॉन्ड बनाएगा पांच बॉन्ड हो नहीं सकते कार्बन के, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जो नाइट्रोजन होगा वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन H2O के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल से एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये पूरा का बॉन्ड किस पे चल जाएगा, O के पास चल जाएगा, क्योंकि H बिना इलेक्ट्रॉन के आएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये बनेगा आपका O डबल बॉन्ड C, इसके साथ कौन आ गया, OH, पांच बॉन्ड नहीं हो सकते थे इसलिए यहाँ से एक बॉन्ड टूट गया, और N सिंगल बॉन्ड R, लेकिन नाइट्रोजन ने उस नेगेटिव चार्ज का, उस बॉन्ड का क्या यूज किया, उसने वाटर के मॉलिक्यूल से एक H एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ से क्या निकल गया, OH माइनस आपका आउट हो गया। ये था स्टेप नंबर फिफ्थ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एन एल्काइल
फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे यहाँ पे स्टेप फाइव में क्या हुआ कि इस बेस का जो मॉलिक्यूल्स OH- है, OH- ने कार्बन पे अटैक किया, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन के पांच बॉन्ड नहीं हो सकते इसलिए ये बॉन्ड नाइट्रोजन से टूटा, नाइट्रोजन ने वाटर के मॉलिक्यूल से H को एक्सेप्ट किया विदाउट इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव अलग हुआ और OH- H2O में से H इसने ले लिया तो OH बचा और OH ने क्या बॉन्ड वापस लिया तो OH- यहां से आउट हुआ और ये आपका बना एन एल्काइल कार्बामिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा एन एल्काइल कार्बामिक एसिड। नेक्स्ट में उसके बाद स्टेप नंबर सिक्स के लिए मुझको इसको रब करना होगा कि जो एन एल्काइल कार्बामिक एसिड है ओ डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ एच सिंगल बॉन्ड एन एच और सिंगल बॉन्ड आर, इसके बाद स्टेप नंबर सिक्स में जो ये बॉन्ड है यहाँ से ये वापस आएगा, वापस आने के बाद क्या होगा ये फिर से एक तरीके से डायरेक्ट इनके बीच में आ जाएगा, यहाँ से CO2 आउट हो जाएगा इस रिएक्शन में से, यहाँ से CO2 आउट होगा, CO2 आउट होने के बाद में ये वाला जो बॉन्ड होगा इसको ब्रेक होना पड़ेगा क्योंकि कार्बन की जो पांच वैलेंसी नहीं हो सकती तो ये वापस फिर यहाँ पे जाएगा और ये जो H निकला है ये H पॉजिटिव के रूप में निकला है तो ये भी इसके साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ से CO2 अलग हो गया इस तरीके से और प्लस RNH नेगेटिव के साथ था लेकिन ये जो H इसके साथ जुड़ जाएगा और ये NH2 हो जाएगा, ये बाद में फिर से रिएक्शन करके CO2 जो है वो K2CO3 बना लेगा। तो स्टेप नंबर सिक्स तक ये चलेगी रिएक्शन और आपको यहाँ पे 1° amine मिल जाएगा, 1° amine इसको हम बोलते हैं क्योंकि 2H इस पे अभी मौजूद हैं, नाइट्रोजन से 1H हटा के उसकी जगह एल्काइल लगाया हुआ है, R लगा हुआ है। इसको दोबारा से थोड़ा बता दूँ मैं, स्टेप नंबर फर्स्ट तो आपको बताइए क्या हुआ था, स्टेप नंबर टू में क्या हुआ था, यहाँ पे जो ब्रोमीन था स्टेप फर्स्ट को मैं दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको रिपीट कर सकूँ, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N और H और इसके साथ में अटैक किया था इसने न्यूक्लियोफाइल OH ने तो OH ने क्या किया इस H को एक्सेप्ट किया था और यहाँ पे वापस नेगेटिव चार्ज आ गया था नाइट्रोजन के पास में तो RC डबल बॉन्ड O N के पास नेगेटिव और सिंगल बॉन्ड H और यहाँ से आउट हो गया था आपका H2 और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट, रिवीजन कर रहे हैं इसको, दोबारा से पढ़ रहे हैं। तो स्टेप फर्स्ट में जो एमाइड था उस एमाइड में क्या था, एमाइड में नाइट्रोजन के पास में होते हैं एसिडिक हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन के साथ में जो बेस का OH- जो बेस है उसने H को एक्सेप्ट किया वहाँ से और H2 आउट कर दिया और नाइट्रोजन के पास में नेगेटिव चार्ज चला गया तो इसको हम बोल देंगे एमाइड एनायन। सेकेंड स्टेप में ब्रोमीन के साथ Br2 के एक मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करता है और इसके अंदर इंड्यूस कर देता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन क्या करेगा, इस Br पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से Br- आपका आउट हो जाएगा। अब जो बनेगा वो बनेगा एन ब्रोमो एमाइड का फिर से OH- के साथ रिएक्शन होगी क्योंकि नाइट्रोजन के पास अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो ये OH- फिर से वही जो स्टेप फर्स्ट में हुआ था दोबारा से रिपीट करेगा और H को लेके H2 निकल जाएगा और नाइट्रोजन के पास में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको हम बोल देंगे एन ब्रोमो एमाइड एनायन। तो तीन स्टेप बहुत ही सिंपल है। स्टेप नंबर फोर्थ को आपको समझना है, यही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है, ये है RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ होगा, रिअरेंजमेंट होगा। यहाँ पे रिअरेंजमेंट में क्या होगा, सबसे पहले नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाएगा, जैसे ये बॉन्ड बनाएगा कार्बन के पांच बॉन्ड हो नहीं सकते तो इसलिए ये फिर से आउट करेगा किसी ना किसी को, कैसा ना कैसा बॉन्ड को उसको तोड़ना होगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ के कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये पहले इधर से टूट जाएगा तो ये वापस फिर से इधर से आ जाएगा, भी ये क्या करेगा रिजोनेंस करेगा तो इसको जो यहाँ पे फिर आर जो है एल्काइल ग्रुप जो है उसको टूटना होगा और वो टूट के क्या करेगा माइनस के रूप में R- के रूप में नाइट्रोजन के पास शिफ्ट होगा। जैसे ही नाइट्रोजन के पास शिफ्ट होगा इधर से जो Br है वो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होते हैं, बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होते हैं तो ये Br- यहाँ से आउट हो जाएगा और आपका बन जाएगा एन एल्काइल आइसोसाइनेट, जिसको हम अगर R की जगह मिथाइल हो तो मिथाइल आइसोसाइनेट बोल सकते हैं MIC, जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस है और ये जो भोपाल त्रासदी आपने कभी सुना होगा तो उसमें इसी का यूज हुआ था, याद रखना इसको मिथाइल आइसोसाइनेट। उसके बाद जो मिथाइल आइसोसाइनेट आपका बना था इसके साथ में OH- कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन के पास क्या होता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो OH- है वो कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो फिर से वही कंडीशन आ जाएगी, कार्बन के पांच बॉन्ड नहीं हो सकते इसलिए नाइट्रोजन को ये वापस लेना होगा बॉन्ड और नाइट्रोजन जब वापस लेगा तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में से रिएक्शन करके H को एक्सेप्ट कर लेगा और OH- आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको हमने बता ही दिया एन एल्काइल कार्बामिक एसिड बनेगा और एन एल्काइल कार्बामिक एसिड में फिर से क्या होगा, ये जो बॉन्ड होगा OH-
जो यहाँ पे OH है, OH का बॉन्ड ब्रेक हो गया, फिर से यहाँ से CO2 निकल जाएगा। थर्मोडायनेमिक कंडीशन बहुत अच्छी बनती है इसके लिए, और यहाँ से CO2 आउट हो जाएगा, और CO2 आउट होने के बाद आपका 1° अमाइन बन जाएगा। हमारा मेन मकसद होता है मैकेनिज्म में जो मेन प्रोडक्ट है उसको दिखाना है कि वो मेन प्रोडक्ट कैसे बना है और उसको बनाने के लिए कितने स्टेप लगे हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इसमें इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको बताएंगे हम। शॉर्ट ट्रिक के लिए हमने पहले भी 2 वीडियोस बना रखी हैं तो आप उनको जरूर देख लें, लेकिन हम इसमें भी थोड़ा आपको बता देंगे हमारी शॉर्ट ट्रिक कैसे थी। क्योंकि जब आप 12th में पढ़ते हो तो वहाँ पे मैकेनिज्म आके मोस्टली रिएक्शंस आती हैं, रोड मैप वगैरह में ये बहुत यूज होता है। और आपको जितने भी 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे या 4 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं ए से बी, बी से सी, सी से डी बनाने में वहाँ पे यूज होता है। जैसे सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पे RCUNH2 और ब्रैक इस पे यहाँ पे लिख दिया Br2KOH, ठीक है। तो अब इसको क्या समझना है, Br2 ब्रोमीन, H से समझना है हंगरी, जो ब्रोमीन है मैं लिख देता हूँ हिंदी में भी इंग्लिश में, ब्रोमीन हंगरी ऑफ को का मतलब CO, ठीक है। CO को थोड़ी देर तक आप पढ़ लो को भाई, इस KO का मतलब क्या समझ सकते हैं हम, को के ओ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मतलब शॉर्ट ट्रिक है तो इसमें कोई ऐसी वैसी बात तो होगी नहीं कि आपको बिल्कुल इंग्लिश की जानकारी हमें देनी है। तो ब्रोमीन क्या था, Br2KOH था, तो Br2KOH से क्या समझना है, Br2 का मतलब ब्रोमीन, एच से मतलब हंगरी, किसका, को का। तो ब्रोमीन जो है हंगरी है को का। अब इसमें को आपको कहाँ पर दिख रहा है, इसमें को जो है वो CO दिख रहा होगा, तो CO को वो खा जाएगा, जिसको खा जाएगा तो बचेगा नहीं, तो आपका क्या बनेगा RNH2। उसके बाद थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ KOH और जो NaOH होते हैं बिल्कुल भाई भाई हैं, मतलब इन दोनों का मेन काम एक ही है, ये एल्कली है, ये बेस है, तो इनको ध्यान रखना है, चाहे KOH हो चाहे NaOH रिएक्शन यही होगी, और अगर यहाँ पे आपका KOBr हो तब भी रिएक्शन यही होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो एमाइड को एमाइन में चेंज करने के लिए, एमाइड को एमाइन में चेंज करने के लिए बहुत ही अच्छे ये आपकी रिएक्शन है, जिसका नाम है होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। होपमैन का मतलब होपमैन से याद रखना, देखो होपमैन का मतलब कुछ ना कुछ आधा हो रहा है, आधा हो रहा है, तो आधे से ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, सिर्फ ये समझना है कि कम हो रहा है, कम क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन का मतलब भी यही है कम हो रहा है। और ब्रोमाइड, ब्रोमीन और एमाइड दो की रिएक्शन है, देखो किस किस की रिएक्शन है, एमाइड भाई जो नाम बता रहा है उसमें एमाइड तो आपको लेना पड़ेगा, और ब्रोमीन भी बता रहा है तो ब्रोमीन भी लेंगे, और प्लस इसके साथ में क्या लेंगे, बेस लेंगे, कोई सा भी बेस। तो होगा क्या कि ये जो CO यहाँ से खत्म हो जाएगा, बनेगा क्या RNH2 प्लस इसमें क्या बनेगा KBr प्लस इसमें क्या बनेगा H2O। कितने कितने यहाँ पे देखो, जो आपके OH है वो H2O भी निकाल लेगा, Br2 से KBr भी निकलेगा और RNH2 भी निकलेगा, और प्लस जो ये CO किसके रूप में निकलेगा, K2CO3 के रूप में निकलेगा। तो हमें यहाँ पे एक मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, ठीक है। और H2 आपके कितने निकल जाएंगे, 4 थे तो 2 आपके H2 निकल जाएंगे, ठीक है। ये थी आपकी रिएक्शन, शॉर्ट ट्रिक हमने बता दिया आपको, पूरा मैकेनिज्म भी समझा दिया कैसे कैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 12th के लिए, और नीट IIT JEE वगैरह के लिए भी, नीट IIT JEE में अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं, UPSC में कंपटीशन कर रहे हैं, एम्स वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या BSc नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से करें। नेमिंग रिएक्शन की पूरी प्लेलिस्ट है हमारे यहाँ पे, उसको जरूर देख लें, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। नेमिंग रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मुझे 5 से 6 साल हो चुके हैं केमिस्ट्री पढ़ाते हुए। तो आप और जो वीडियोज़ हैं उनको भी देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।